सर, सबसे पहले तो आपका आपकी फिल्म की आज डबिंग शुरू हुई है, सबसे पहले फिल्म के बारे में कुछ बताइए और डबिंग कौन कौन से स्टार आज डबिंग करने वाले हैं उस बारे में बताइए। पहले तो मैं अपने भोजपुरिया दर्शक को प्रणाम करता हूँ। मैं निर्देशक लालू पंडित। आज हमारी फरिश्ते फिल्म की डबिंग शुरू हुई है, जो हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं। आज 3 आर्टिस्टों का डबिंग है, जिसमें रिंकू भारती जी हैं, श्रद्धा नवल जी, सोनू पांडे जी का डबिंग आज से शुरू हुई है, जिसके हमारे प्रोड्यूसर SS रेड्डी जी हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने मतलब एक फिल्म बहुत अच्छी बनी है, उन्होंने बहुत कॉपरेट किया है हर सीन के लिए। गैंजर फिल्म बनाने के लिए जो जो मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए था तो रेड्डी साहब ने प्रोवाइड कराया है। किस बारे की फिल्म है यह? है गंगोत्री स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड की, जिसके प्रोड्यूसर हैं SS रेड्डी, जो हैदराबाद से बिलोंग्स करते हैं। ये फिल्म कब तक रिलीज होगा? अभी देखिए डबिंग शुरू हुई है, इसके बाद हम लोग शायद 2022 के एंड तक हम लोग इसका प्लान कर रहे हैं रिलीज के लिए। और जो फिल्म का टाइटल और कहानी क्या, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में क्या होगा? नहीं, टाइटल तो आपको पता है, फरिश्ते हैं टाइटल, और कहानी में यहाँ रिवील नहीं कर सकता हूँ शिवाजी। तो क्या हिंदी फिल्म का रीमेक बनाया आपने फरिश्ते? नहीं, टोटल ही अलग कहानी है, कोई रीमेक कहानी नहीं है। और मार्केट में चर्चा गरम है कि आप रीमेक फिल्म बना दीजिए सर। अब बोलने वाले तो बोलेंगे ही, आप किसका मुंह रोकिएगा, लेकिन किसी भी फिल्म का कॉपी नहीं है, एक अलग कहानी गढ़ी गई थी। हम लोगों ने इस कहानी पे करीब 7-8 महीना तक मेहनत करने के बाद एक इस कहानी को, इसमें खेसारी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसके राइटर हैं अरविंद तिवारी जी। तो कहानी की कहीं की ना हिंदी फिल्म की ना साउथ की कहीं की कॉपी नहीं है, खांटी भोजपुरिया फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है। सर, आप भोजपुरी के सबसे बड़ा डायरेक्टर लिस्ट में आते हैं, लेकिन जब हिंदी फिल्म का कोई डायरेक्टर का फिल्म को बॉयकॉट करता है और इस तरह का होता है, तो फिल्म में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, एक फिल्म बनाने में बहुत सारे घर चलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बॉयकॉट का जो जमाना चलता है, तो क्या आपका नज़रिया है? नहीं, बॉयकॉट क्या, फिल्म अच्छी रहेगी तो कितने भी लोग बॉयकॉट कर लें तो ऑडियंस जाएगी, अगर फिल्म अच्छी होगी तो। तो बैकट है, अपना अपना लोगों का मानना है किसको बैकट करना नहीं करना है। तो हम लोग तो हर फिल्म, जिसकी फिल्म हो हिंदी हो कहीं की फिल्म, तो हमारे लिए सिनेमा सिनेमा है। तो फिल्म अगर अच्छी होगी तो मुझे नहीं लगता जो बैकट से जो लोग करते हैं तो उससे सिनेमा पे कोई फर्क पड़ता है। भोजपुरी फिल्म को ऐसा डायरेक्टर नहीं है, दर्शक कह रहे हैं कि फिल्में थिएटर तक चला सके, इस पे कितना सच्चाई है? नहीं, हाँ, थिएटर में हमारी अभी स्थिति, लेकिन पहले से सुधार आ रही है। बीच में जो अभी यूट्यूब चैनल्स वगैरह हो सकती है हम में कमियां हों, जो हमने वो फिल्म दर्शकों को नहीं दे पाया अभी तक, जो भी बीच में गैप रही हैं, लेकिन अभी जो है ऑडियंस आ रही है थिएटर में ऑडियंस, फिल्म अच्छी बनेगी तो ऑडियंस आएगी, और नहीं होती तो अगर आप यूट्यूब में व्यूवर्स देख लीजिए तो हमारी ऑडियंस है, लेकिन हम में कुछ कमियां हैं जो मैं ऑडियंस को थिएटर तक नहीं ला पा रहा हूं। तो उस कमी को हर निर्देशक, हर प्रोड्यूसर, हर हीरो सब कोई कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग किस तरह से, जो हमारे दर्शक भोजपुरिया दर्शक थिएटर से दूर चले गए थे उनको हम लोग किस तरह वापस लाए, सब कोई मेहनत कर रहे हैं, हर प्रोडक्शन हाउस, हर डायरेक्टर, हर हीरो सब इसी पे लगा हुआ। और वल्गरिटी की एक बात चलती है, तो आप लोग सिनेमा में जाए, कोई अभी वल्गरिटी वाली सिनेमा वैसा कुछ नहीं है, जो लोग नहीं देखते हैं वही लोग चिल्लाते हैं वल्गरिटी वल्गरिटी, आप लोग सिनेमा तो पहले देखो, उसके बाद आप यूट्यूब में डालो, यूट्यूबर अपना जो भी है तो ठीक है। फरिश्ते में खेसारी लाल यादव जी के साथ और कौन कौन से कलाकार हैं, सबका नाम बताइए। जी, फरिश्ते में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, साउथ से हैं हीरोइन मेघा श्री जी, पूजा गांगुली हैं, अमित शुक्ला जी हैं, श्रद्धा नवल जी हैं, प्रकाश जैसी हैं, रिंकू भारती, खुशबू यादव, सोनू पांडे, बस यही लोग हैं। और कहाँ शूटिंग हुई और टेक्नीशियन म्यूजिक लिरिक्स किसका जो बताएं? ये हुई है लखनऊ में शूट हुई है इस फिल्म की, और म्यूजिक है कृष्णा बेदर्दी जी का। जी लाल बाबू, सर मेगाश्री के साथ खेसारी जी की बैक टू बैक कई सारी फिल्में आ रही है, शूट भी उन्होंने की है जी। क्या आपको लगता है कि यह एक सुपरहिट जोड़ी बनकर साबित होगी आने वाले समय में? जोड़ी क्या होता है, जोड़ी कुछ नहीं है। मैंने काम किया मेघा जी के साथ, मुझे अच्छा लगा, अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो निर्देशक या प्रोड्यूसर चाहते हैं उनको, तो जोड़ी नहीं होती, जोड़ी नहीं है। जो फिर सिनेमा चलेगी मतलब थोड़ी है, 2-3 कर लिए तो जोड़ी बन जाती है, जोड़ी तो मैं नहीं मानता हूँ जोड़ी वगैरह, तो इस विषय में कुछ नहीं बोलूँगा। काम एक्टर्स को भोजपुरी बुलाना कितना टफ था आपके लिए? हाँ, टफ तो होता है क्योंकि अब हमारी भाषा से वो नहीं है,
लेकिन वो रट्टा मार लेती हैं, थोड़ा सा अभी चेंज करो तो कंफ्यूज हो जाती थी, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस है, काम उन्होंने काम अच्छा किया। खेसारी जी को आपने इस फिल्म में अलग लुक दिया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे थोड़ा? हाँ, इनका इस फिल्म में फरिश्ते में टोटल 3-4 गेटअप है, अलग अलग है, तो मैं वही बोला ना, लुक है वो कहानी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लुक चेंज हुई है। 3 है या 4 है? 4 गेटअप में है खेसारी जी, एक तीन ही बोल सकते हैं, नॉर्मल फिल्म फाइनल सिनेमाघरों में आ सकती है। देखिए अभी तो पोस्ट चले, आज से डबिंग शुरू हुई है, बैकग्राउंड के लिए हमने भेज दिया है, तो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं पोस्ट की, तो वो जितनी जल्दी हम कर सकेंगे तो अभी मैंने फाइनल, लेकिन 2022 के एंड तक हम लोग फिल्म कर लीजिए। पागल का कैरेक्टर में दिखा, फोटो वायरल हुआ है जी, पागल कैरेक्टर में है वो? वो तो सिनेमा देखने के बाद ही पता चलेगा कि पागल है क्या क्या है। आपके नज़र में क्या पागल है? मेरे नज़र में तो किरदार हैं, पागल कहाँ है, सुपरस्टार है, मेरे नज़र में क्या है, एक सुपरस्टार हैं, अच्छे एक्टर हैं, टाइम के बड़े पाबंद हैं, जो उनके साथ बहुत कम दिनों में सिनेमा बनाई जा सकती है। सर, आप खेसारी को लेके 7 फिल्म बनाया, दिनेश लाल को साइन किए जी, कल्लू जी को साइन किए 3 फिल्म, नहीं कल्लू जी के साथ मैंने 2 फिल्में भी बनाई, बहुत अच्छे एक्टर हैं कल्लू जी, लेकिन अभी पवन सिंह को क्यों नहीं? नहीं वैसी स्क्रिप्ट आएगी तो क्यों नहीं पवन, सबके साथ हम तो निर्देशक हैं सबके साथ। अभी खेसारी जी के साथ आप फिल्म किया, इसलिए पवन सिंह आपको आपको फिल्म साइन नहीं कर रहा है क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। पवन को कभी अप्रोच किया? मेरे पास वैसी कोई सब्जेक्ट नहीं आई है, जरूर करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे ही काम, काम जब इंडस्ट्री में है तो सबके साथ काम करना है, दुश्मन किसी के साथ थोड़ी है। सर, जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोगों की जो ऑडियंस है जो बॉलीवुड फिल्में नहीं देखने जा रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी वही हाल है कि दर्शक सिनेमा घरों तक नहीं जा रहे क्योंकि दर्शकों की जो चाहत है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है, तो एक निर्देशक के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि कैसी फिल्में होनी चाहिए जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाने में मदद साबित हो? देखिए जो भी है, फिल्म की जो कहानी जो कंटेंट होता है वही मेन हीरो होता है। हो सकता है जो ऑडियंस हमारी जो पहले से देखते आ रही है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको पसंद नहीं आ रहा हो जो थिएटर में जाकर वो देखे, तो इसी पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सब्जेक्ट पे पहले मेहनत कर रहे हैं, इसमें सब कोई मतलब जो भी राइटर जितने भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं जो ऑडियंस को लाया जाए, पकड़ के तो नहीं ला सकते, अच्छी सिनेमा देंगे तो ऑडियंस ज़रूर आएगी। हमारी ऑडियंस भोजपुरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, और वो कहाँ बॉयकॉट करती है हमारी भोजपुरी ऑडियंस, तो हमारी भोजपुरी फिल्मों को बॉयकॉट नहीं करती है। लाल बाबू को जाना जाता है कि हीरो बड़ा लेते हैं लेकिन हीरोइन नया लॉन्च करता है, हीरोइन बनाते हैं लाल बाबू, क्या कहेंगे, क्यों नए लोगों को आप मतलब बनाते हो, मतलब उसका इसके पीछे राज क्या है? राज की बात नहीं है, जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार कास्टिंग होती है। राज नहीं, मैंने काजल जी के से भी साथ भी कुली नंबर 1 बनाई थी, तो काजल जी तो अच्छा। कौन कौन सी फिल्म की अभी नाम बताएं सबका? मैंने जिला चंपारण, राजा जानी, कुली नंबर 1, शादी हो तो ऐसी, राजा की आएगी बारात, अभी हमने कंप्लीट किया फरिश्ता, अभी आगे भी फिल्में हैं, और खेसारी जी के साथ भी है, दिनेश जी के साथ भी है, कल्लू जी के साथ भी है, तो प्लान सब प्रोसेसिंग पे है, प्री प्रोडक्शन में है, कहानी पे वर्क चल रही है। पहली फिल्म जब बनाई थी जिला 12 में, उससे अभी तक हमने इतने फिल्म बनाने के बाद क्या कुछ सीखा भोजपुरी इंडस्ट्री से, या आपने कुछ सिखाया इन लोगों को? नहीं, मैंने कुछ सिखा ना, मैं रोज़ सीखता हूँ, और सिनेमा ऐसी चीज़ है जो मुझे रोज़ सीखना ही है, कुछ ना कुछ सबसे सीखते रहता हूँ। हमारा जो स्पॉट, मेरा सबसे शूट पे मेरे दोस्त ही होते हैं स्पॉट वाले, लाइट वाले, यही मेरे एकदम जो हमारे साथ कदम से कदम पूरी यूनिट चलती है, लेकिन तो उन सबसे सीखा जाता है। सिनेमा एक टीम वर्क है, अकेले की डायरेक्टर की फिल्म नहीं होती है, एक टीम वर्क है, क्यों 80-90 आदमी का एक 100 आदमी का यूनिट होता है, तो हर इंसान, हर हमारे जो टेक्नीशियन है, जो हमारे यूनिट मेंबर है, सबकी फिल्म होती है, अकेले हम नहीं कर सकते हैं, सब भी मेहनत करते हैं तो एक अच्छी फिल्म बनती है। भोजपुरी इंडस्ट्री आजकल एल्बमों की दुनिया हो गई है, सिनेमा नहीं चल रहा है, क्या कोई मेहनत नहीं करना चाहता भोजपुरी इंडस्ट्री में सिनेमा के लिए? नहीं नहीं, सिनेमा देखिए बहुत अच्छी अच्छी सिनेमाएँ बन रही हैं, एल्बम का अलग दायरा है, अलग जगह है, सिनेमा एक अलग जगह है। एल्बम देखिए, सिनेमा क्या बताएं, एल्बम जो है आदमी गाना सुना ये हुआ, लेकिन सिनेमा एक धरोहर है, सिनेमा कभी पुरानी नहीं होती है, सिनेमा धरोहर है, और आपका वो तो सिनेमा अलग है, उन एल्बम का अलग है, सिनेमा अलग अलग ये है। कल्लू जी के साथ दोनों फिल्म आ रही है? कल्लू जी के साथ हमारी दूल्हा धीरे धीरे चले ससुराली गलियां, और एक राज है जिसके एसआर के प्रोड्यूसर हैं, और दुल्हा के प्राकृतिक फिल्म्स और माँ शांति मोशन है इसके प्रोड्यूसर,
और अभी फिर कल्लू जी के साथ अभी प्लानिंग है, दो फिल्मों की प्लानिंग चल रही है। इतने फिल्में करने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े मेकर हैं, आपको क्यों नहीं भेजते फाइनल किए? पता नहीं क्यों फाइनल नहीं किया, उनका ये है, हो सकता है मेरे में कोई कमी हो इसलिए नहीं करते हैं। नहीं कर रहे हैं ना, बुला काम तो करिए बड़े। आपके फेसबुक किस तरह का सबसे अधिक कमेंट आते हैं, किस हीरोइन को कास्ट करें? नहीं मेरे फेसबुक के हीरोइन के कमेंट नहीं आते सर। नहीं दर्शक बोलते हैं भाई इसमें नए हीरो ने आपने डाल दिया, तो किस हीरोइन का सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आता है किस हीरोइन का फाइनल करिए? नहीं ऐसा कमेंट तो अभी तक आया नहीं है संजय जी मेरे पास। हाँ नहीं देखो लोग बोलते हैं नहीं आप अच्छा करते हैं, नए टैलेंटों को चांस देते हैं, बहुत लोग लिखते हैं सिर्फ हीरो ही आप सुपरस्टार हीरो को क्यों नहीं ये करते हैं, तो मौका आएगा हम सबके साथ काम करेंगे। मेरे लिए सिनेमा कोई बड़ी या छोटी नहीं, सिनेमा सिनेमा होती है, अगर कम बजट की है तो मेरे लिए वो काम ही है, क्योंकि माँ सरस्वती का हम लोग ये करते हैं, तो ऐसी कमेंट नहीं आते हैं संजय जी। हीरोइनों की बात करते किसको उसे लॉन्च किया सबका नाम बताया जरा। पहले जिला चंपारण में मणि भट्टाचार्य जी थी, उसके बाद उसमें मोहिनी घोष जी तो पहले कर चुकी तो वो थी, राजा जानी में प्रीति विश्वास और देवोस्मिता थी, कुली में काजल जी थी, काजल अगवानी जी और पूजा गांगुली थी, शादी हो तो ऐसी में सुदीक्षा झा जी थी और गेस्ट अपीयरेंस में पूजा गांगुली जी थी और दो कृति वर्मा एंड निशा सिंह थी जो गेस्ट अपीयरेंस में थी, और राजा की आई बारात में सुदीक्षा झा जी थी और संयुक्ता रॉय थी, और फरिश्ते में मेघा श्री जी और पूजा गांगुली। अभी नेक्स्ट कौन आने वाली है जरा बता देना देखेंगे। अभी तो स्क्रिप्ट पे काम चालू है सर, जब स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएगी तो वो भी हम आपको बता देंगे कौन हीरोइन है क्या है। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे जो आपको कुछ भेजा हो उसका जवाब देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से यही गुजारिश करता हूँ, एक फिल्म बनाने में हर मेकरों को पूरी यूनिट को बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सिनेमा का मज़ा तो प्लीज़ आप लोग थिएटर तक जाएं। अभी हाल ही में अभी 2 तारीख को भी डोली से जाकर रखना रिलीज होने वाली है, खेसारी जी की फिल्म है, तो प्लीज़ अच्छी फिल्म है, ऑडियंस से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग थिएटर तक जाएँ, फिल्म अच्छी है तो उसकी प्रशंसा करें, बुरी है तो जो भी है आप क्रिटिसाइज करते हैं तो करें, तो वो भी आप अच्छा बोलते हैं तो भी अच्छा लगता है, अगर क्रिटिसाइज कर तो वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी कहाँ कमियाँ हैं आप लोग क्या चाहते हैं तो हम लोग उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जितने भोजपुरिया जहाँ समाज हैं, प्लीज़ थिएटर तक जाइए, बहुत दिन रुट गए थे आप लोग, प्लीज़ मानिए और पदार्पण अपना थिएटर तक कीजिए बस।